यह है पारसनाथ हिल पर चढ़ने का सबसे शुरुआत रास्ता है। यहाँ से लगभग पारसनाथ जाने में 9 किलोमीटर पड़ते हैं। बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने पड़ते हैं, सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं, चढ़ान चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन सागर रास्ता बनाया हुआ है। बहुत सुंदर और बहुत प्राकृतिक जगह है, बहुत नेचुरल और हरियाली भी है। यह है जल मंदिर। जब भी पारसनाथ आओगे तो यहीं पर जल मंदिर पानी का नसीब यहीं पर होगा। पूरा कहीं भी घूम लोगे पानी कहीं नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी यहीं से किसी भी लोग आते हैं। यहीं पर पहले आते हैं तो सुबह सबसे पहले यहीं पर स्नान करते हैं, यहीं पर पानी भी पीते हैं, उसके पानी भी यहाँ बोतल उतल भर लेते हैं। यह मंदिर चारों तरफ से नदी पानी से भरा हुआ है और पहाड़ के हाइट पर ही है, थोड़ा सा हाइट ऊँचाई से थोड़ा सा नीचे है, जो कि शुरुआत में लोग यहीं आता है, यहीं से नहा धोकर इधर फिर इधर सरों घूमना चाहता है। ये सब जो है ये सबसे हाइट पर है, इससे भी हाइट थोड़ा सा आगे है पारसनाथ मंदिर, जो कि सबसे ऊंचा पर वही होता है, 1365 मीटर है। फिर थोड़ा सा उससे कम हाइट है, ऐसे से बहुत सारा मंदिर मिलेगा छोटा 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 छोटा, लेकिन बहुत खतरनाक दृश्य है। देखने में तो बहुत एकदम बादल तक बादल को छू रहे हैं, बादल एकदम नज़दीक है, यहाँ पर कोई बादल कोई हाइट पर नहीं है, नीचे देखने को कुछ पत्थर उधर कुछ नहीं दिखता। थोड़ा सा गर्मी के दिन में जाने पर थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन थोड़ा बरसात के समय कहते हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादातर बादल दिख रहा था। वहाँ का मौसम एकदम हमेशा ठंडा रहता है, हवा एकदम हमेशा ठंडा ठंडा पड़ता रहता है। ये बहुत हाइट पर है, बहुत ऊँचा।